Chandrayaan-3 অবতৰণ কৰা ঠাইখিনি শিৱশক্তি হিচাপে ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আনহাতে Chandrayaan-2 স্পৰ্শ কৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ঠাই ত্ৰিৰংগা হিচাপে ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিদেশ ভ্ৰমণ সামৰি পুৱাই বাংগালুৰুৰ ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক সম্বৰ্ধনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আনহাতে 23 আগষ্ট দিনটো দেশে ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিব ভাৰতে চন্দ্ৰ যি স্থানত গৈছে তাত বিশ্বৰ কোনো বিজ্ঞানী যাব পৰা নাই বুলি গৌৰৱ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে मिशन्स के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर Chandrayaan-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। 4 साल पहले जब Chandrayaan-2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब Chandrayaan-3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय Chandrayaan-2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए
चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान टू ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान टू के पदचिन्ह जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। আনহাতে এয়া নির্ভীক ভারত আর যুঁজারু ভারত বলে কই প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রযান তিনির লগত জড়িত নারী শক্তির অবদানক প্রশংসা করে। उनके इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे यहां कहा गया है सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। सबने देखा है चंद्रयान थ्री में देश ने हमारी महिला वैज्ञानिकों ने देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री को এপিনে এক ডিসেম্বৰৰ পৰা ছাত্র ছাত্রীৰ মাজত চন্দ্ৰ অভিযানক লৈ কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মাজত জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। 1 সিতম্বৰ সে মাই গাঁও হামারে চন্দ্ৰয়ান মিশন কো লেকর বহুত বড়া কুইজ কম্পিটিশন লঞ্চ কৰনে ৱালা হে। हमारे देश के स्टूडेंट्स इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। इपिने 23 अगस्तक राष्ट्रीय महाकाश दिवस हिसाब से घोषणा करा हुआ है। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा,
हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा।